गुड मॉर्निंग आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग सुबह फैमिली। तो आज अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप अभी ही निकल गया है, 7-8 बजे तक तो धूप अच्छे से निकल जा रहा है। गर्मी बहुत लग रही है, खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, और ऐसे भी पानी पीते रहना चाहिए। और अभी ये पिया जा रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग सत्तू, ये लीजिए आपका ठंडा ठंडा सत्तू। तो ये अक्सर हाँ सुबह सुबह सत्तू पिया जा रहा है, और हमेशा पीते हैं और पीना भी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है। कुछ भी पी सकते हैं, नींबू पानी, नींबू शरबत, सत्तू, है ना। नहीं, सत्तू पीने से होता है ना पूरा बॉडी, गर्मी में ना बॉडी पूरा ठंडा लगता है, ठंडा लगता है। नारियल पानी भी सुबह सुबह अच्छा है, ठंडा किया। इसको हम लोग देसी जूस बोलते हैं, ये अच्छा भी लगता है पीने में। और देसी जूस और बाबू तो है, ठीक है, इसको पीते हैं। शुभ तो सुबह सुबह दूध पीता है, सुबह सुबह चाय पीता है, दूध चाय बोलता है अपने दूध, चाय पीता हो चाय। अभी हम चाय पी रहे हैं, बट अभी हमारा चाय बंद है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो सोच रहे हैं शिमला और मनाली निकलने के लिए। शिमला और मनाली निकलने के लिए शिमला मनाली, अभी का सुबह सुबह का टाइम में धूप इतना तेज है ना, और लू भी चल रही, दोपहर तक तो लू और हवा इतना तेज चलने लगता है कि दरवाज़ा तो बंद करना पड़ता है। बालकनी वाला इस साइड का पूरा बालकनी बंद हो जाता है, तो थोड़ा राहत मिलता है। ऊपर से पंखे भी आ रहे हैं, बहुत धूप है, इस साइड से पता चलेगा। नहाने जाओ, ये क्या लेके जा रहे हो, सारा एनिमल? पहले वही ना आएगा ना, फिर बाद में आप नहाओगे। दिखें दिखें दिखाओ, आएगा नहाने के लिए। हाँ हाँ, गिरते जा रहा है, चलो दिखलाओ कितना सारा एनिमल। पहले यही नहाता है, उसके बाद नहाते हैं शोर, ज़्यादा तो यही नहा लेता होगा। अब ये मैक्सिमम ये कौन घंटा तो नहाएंगे? नहीं, 2 घंटे। हाँ, जिसमें से तुम 10 मिनट नहाते हो, यही नहाता है ज्यादा, है ना। हाँ। जल्दी जल्दी नहा लो, कहाँ जाए, कहाँ जाना है भाई, हमको नहाने दो ना। अच्छा तुम तो नहा ली नहा लो नहा लो नहा लो, वो तैर रहा है तुम्हारा तो सारा। तैरेगा नहीं, लायन का है ब्रेसलेट। चलो ठीक है, ये लोग भी ठंडे हो जाए, पहले ऐसे आते हैं, गर्मी लगती है ना इन लोग को भी। उसको माला पहना है, वो माला नहीं ब्रेसलेट, ब्रेसलेट है। अच्छा, पहले ऐसे आया था, अब मैंने कहा कि इसको पहना दो, कुछ काम करना। ठीक है, नहाने जा रहे हैं, और ये ना कपड़ा खोल करके मुझे महका रहा है अपना पसीना वाला कपड़ा। अरे अरे अरे, जाओ ना आने, जल्दी नहाओ, जल्दी नहाओ, जाओ। यहाँ मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और रैक में जितने भी डिस्कलर हो गए थे वो कपड़े हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे, और सारे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना फालतू वाले कपड़े, कि और कपड़े आ नहीं रहे थे। तो ये सारा कपड़ा फोल्ड करके हटाना है, तो यही फटाफट मैं फोल्ड कर रही हूँ। सारे कपड़े तो फोल्ड हो गए हैं, अब इसको जल्दी से डाल देते हैं। कपड़े का क्या करना है, इनको जितना शर्ट है उसका करना क्या है, इनको डोनेट करेंगे ना, डोनेट कर देना है। हाँ, वो नीचे में रखते हैं ना जिनको मतलब देना होता है। हाँ, वो लगाते हैं ना वहाँ पे, दे दिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ दही बहुत अच्छा जमा हुआ है, तो सोच रही हूँ थोड़ा दही खा लूँ, क्योंकि दही खाने का बहुत मन हो रहा है। चलते हैं, थोड़ा दही खा लेते हैं। रोज़ तो कोर्ट चले जाते खेलने के लिए, बट आज यहीं पे शुरू हो गया। शुभ और शुभ के पापा खेल रहे थे और मैं भी खेल रही थोड़ी देर के लिए, तो हॉल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए खेल भी लेते हैं, और अच्छा भी है, थोड़ा बहुत खेलना ज़रूरी है। तो शुभ तो हमेशा खेलता ही रहता है, आज मैं भी खेल रही। शुभ रेडी हो गया स्केट्स के लिए, और लोअर नया सा पहन लिया है,
और ये नया सा लोअर किसने दिया है? बर्थडे में आया था, चाची ने दिया है। और इस पे क्या बना हुआ है? ये आयरन मैन बना हुआ है। तो आयरन मैन ओके, तो आज स्केट्स में एक बार गिरना नहीं, आयरन मैन पहने हुए हो। ओके हाँ, स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग बनना और गिरना नहीं है, ठीक है? क्यों गिरना नहीं है? गिरूंगा कभी कभार। क्यों? अरे पहले ही तुम खुद ही बोल रहे हो, तो वो भी इसके मुंह पे नहीं गिरोगे, उल्टा गिरोगे। हाँ। तो और चोट आएगी, उल्टा कैसे गिरोगे? सर के बल ऐसे स्केट चलाता हूँ। चलो तो तुम अब 6 बजे आओगे ना? फिर सब पूरी तरह से रेडी हो गया है और साथ में साइकिल भी लेके जाता है। स्केट्स के बाद क्या करूंगा वो भी खेलूंगा। तो स्केट्स के बाद साइकिलिंग करता है, थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद आएगा सीधा साइकिलिंग। चलो स्केटिंग क्लास के स्केट्स के बाद पानी ले लियो ना। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं नीचे, शाम हो गया है तो थोड़ा वॉक वॉक करेंगे और थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे। तो चलते हैं। हम आ गए नीचे और नीचे मंदिर के साइड में भंडारे चल रहे थे, तो हमने भी भंडारे का प्रसाद खा लिया। और भंडारे का प्रसाद तो ऐसे भी पता है कि बहुत अच्छा होता है, और सच में बहुत अच्छा था। पूरी और सीताफल वाली सब्जी, और साथ में था हलवा और आलू वाली सब्जी थी, मसाले वाली। यहाँ शुभ बैठ कर खा रहा है, शुभ को भी बहुत पसंद आया सीताफल वाली सब्जी, ज़्यादा तीखा नहीं था, तो अच्छे से खा लिया। दिख रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि रात हो चुकी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को पता है क्या करना है? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सुगंध फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।